आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। बस काफी तेज रफ्तार से रास्ते पर दौड़े जा रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर हमारी बस के अलावा दूर दूर तक और कोई गाड़ी या फिर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर चारों ओर कोहरा ही कोहरा। ठंड का मौसम था तो कोहरा लाजमी ही था। खैर, बस तेजी से दौड़े जा रहे थे। मेरा बस स्टॉप बस अभी आने ही वाला था, इसलिए मैं किसी तरह खुद को जगाए हुए बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। कुछ देर बाद बस स्टॉप पर रुकी। ये मेरा स्टॉप था, इसलिए मैं बस से नीचे उतर गया। मेरे अलावा उस जगह पर उतरने वाला और कोई नहीं था। मैं अकेला ही था जो वहां पर उतरा था उस सुनसान रात में। मुझे उतार कर बस वहां से आगे निकल गई। मैंने कुछ देर तक बस को जाते हुए देखा, फिर बस कोहरे में कहीं समा सी गई। मैंने एक नज़र चारों ओर घुमाई। बस स्टॉप जितना छोटा था उतना ही खाली भी। चारों ओर नज़र घुमाने पर भी कोई शख्स नज़र नहीं आया। मैं अकेला ही था उस पूरे बस स्टॉप पर। रास्ते पर भी कोई दुकान खुली हुई नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई हो ही ना। मुझे अब यहाँ से अपने गांव जाना था। मेरा गांव यहाँ से करीब 4 या 5 किलोमीटर की दूरी में होगा। मुझे कोई वाहन तो नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पैदल चलने का ही फैसला किया। मेरा नाम राकेश है। मैं अपने गांव से दूर शहर के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ। मुझे बहुत दिनों से गांव आने का मन कर रहा था, इसलिए छुट्टियां लेकर मैं अपने गांव चला आया। रात की बस इसलिए क्योंकि यह गांव काफ़ी छोटा है और मेरे हॉस्टल से इस तरफ बस एक ही बस आती है, यही वाली जिससे कुछ देर पहले मैं उतरा था, तो इसीलिए रात के वक्त। और ये शायद मेरा पहली बार था जब मैं हॉस्टल से गांव आ रहा था। इससे पहले मैं कभी भी हॉस्टल से गांव नहीं आया था। मैं रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता कच्चा था, इसलिए मैं दबे पैर आराम से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ते पर तेजी से चलना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे हाथ में एक टॉर्च था, क्योंकि मैं जानता था कि रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, इसलिए मैं साथ ही टॉर्च लेकर निकला था। मैं आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कोहरे की एक परत जैसे पूरे रास्ते पर बर्फ की तरह छाई हुई थी। मैं उस कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। मेरे हाथ पांव जैसे सुन्न से पड़ रहे थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, इसलिए मैं किसी को अपनी खबर भी नहीं दे पाया था आने की। इसलिए अब यहाँ से मुझे अकेले ही आगे जाना पड़ता। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से अचानक से कोई गया हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर टॉर्च की रोशनी में सफ़ेद कोहरे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा, मगर तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने की तरफ से कोई पार हुआ हो। मैंने टॉर्च वापस घुमाया, मगर इस बार भी कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन और सुनसानियत। मैं आगे बढ़ने लगा। मुझे लगा कुछ तो गलत है, या फिर मुझे नींद आ रही है इसलिए मुझे भ्रम हो रहे हैं। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि यह रास्ता मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों एक अजीब से घुटन से महसूस हो रहे थे मुझे, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ ही रहा था
कि तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, राकेश। यह आवाज मेरे पीछे की तरफ से आई थी। मैं एक पल को सहम सा गया, मेरे पूरे शरीर के रोंगटे जैसे खड़े से हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आवाज है किसकी। फिर भी मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और टॉर्च घुमाकर मैंने उस तरफ किया जिधर से वो आवाज आ रही थी, तो मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे एक चेहरे पर उतर गई। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरे दोस्त सोमेश का था, जो कि एक पेड़ के बगल में खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी सोमेश ने कहा, अबे टॉर्च नीचे कर, आंख फोड़ेगा क्या। मैंने सोमेश को देखा और मैंने भी मुस्कुरा दिया। मैंने वहीं खड़े खड़े सोमेश को कहा, अबे तू इतनी रात को यहां पर क्या कर रहा है। इस पर सोमेश ने मेरे करीब आते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो कुछ सामान लेकर लौट रहा था तो देखा कि तू आ रहा है इतने दिनों बाद हॉस्टल से आज अचानक। इस पर मैंने कहा, हाँ भाई अचानक आ गया, बहुत मन कर रहा था घर वालों से मिलने का, इसलिए आ गया बस। तभी सोमेश ने कहा, चल साथ में चलते हैं। और फिर हम दोनों आराम से आगे बढ़ने लगे। उस कच्चे रास्ते पर हम धीरे धीरे बात करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी मैंने सोमेश को देखा, उसके हाथों में कोई सामान नजर नहीं आया, तो मैंने पूछा, तू सामान लेने गया था, सामान तो नहीं दिख रहा। तो इस पर सोमेश ने कुछ देर रुककर कहा, वो दुकान बंद था इसलिए मिला नहीं सामान, चलना घर चलते हैं। और फिर हम दोनों वापस से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उसने कहा, और वहाँ हॉस्टल में सब कैसा है। यहाँ तो गांव में क्या ही होगा, बस गाय भैंस चरा रहे हैं हम लोग, और क्या होगा। इस पर मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो तू भी आ जाना, वहाँ शहर में कोई नौकरी कर लेना। इस पर सोमेश ने कहा, हाँ मैं भी आ जाता काश। और फिर हम दोनों वापस से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों अपने गांव के सरहद पर पहुंच गए। तभी सोमेश ने कहा, तू जा मैं आता हूँ थोड़ा हल्का होने दे। और फिर मैं उसे छोड़कर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद मैं अपने घर पहुंचा। घर वालों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, इतने दिनों के बाद अचानक मुझे देखकर वो लोग भी काफ़ी खुश थे। तभी मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तू इतनी रात को अकेले आया। इस पर मैंने कहा, माँ अकेले आ रहा था, बस रास्ते में वो सोमेश मिल गया तो उसी के साथ बात करते करते आ गया, वो भी अब आता ही होगा, वो हल्का हो रहा है। इस पर मेरी माँ ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक एक नज़र गौर से देखा, फिर मेरे करीब आकर बोली, तो तूने पीना चालू कर दिया। इस पर मैंने कहा, नहीं नहीं मैं क्यों पीने लगा, मैं नहीं पीता। इस पर मेरी माँ ने कहा, तो तू किससे मिला, तेरा दिमाग खराब है क्या, सोमेश को मरे तो एक महीना हो गया है। ये सुनकर मेरे रगों में दौड़ता खून जैसे पानी सा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी जो मैं मिला वो कौन था, अगर सोमेश एक महीने पहले ही मर चुका है। तभी मैंने अपनी माँ से कहा, पर माँ मैंने तुझसे काफ़ी सारे बातें भी की, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर मेरी माँ ने कहा, शायद वो तुझसे मिलने आया होगा, खैर जाने दे चल। उस दिन के बाद से मुझे सोमेश कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मुझे अच्छे से याद है, घटना आज से 18 साल पहले की है और उन दिनों मैं अपने गांव में रहा करता था। उस समय हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला होने के कारण गांव के सभी लोग
खेती करके अपना घर परिवार चलाया करते थे। उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही किसी के पास फोन था, जिस कारण उस समय सभी लोगों के पास वक्त ही वक्त रहता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पिताजी के देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी, जिस वजह से मैं काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मगर काफी दिन भटकने के बाद भी मुझे किसी तरह का काम नहीं मिला और हमारा खुद का खेत भी नहीं था कि मैं खेती कर सकूं, क्योंकि पिताजी के इलाज में हमारे सारे खेत बिक चुके थे। दिन पर दिन हमारे घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। मैं काफी परेशान सा रहने लगा कि तभी मुझे याद आया, 3 महीने पहले मेरा एक दोस्त विकास हमारे गांव आया था। असल में विकास हमारे ही गांव का लड़का है, मगर उसे यहाँ कोई काम ना मिलने के कारण वो 2 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया। लेकिन 3 महीने पहले वो जब लौटा तो वो काफी पैसे वाला बनकर आया था और उसने मुझसे कहा भी था कि कभी काम की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम लगवा दूंगा। विकास की ये बात याद आते ही मेरा मुरझाया चेहरा एकदम से खिल उठा और मैं सीधे चलकर अपने घर गया। घर पहुंचकर घर वालों को मेरी जाने की बात बताने पर सब लोग एकदम से मायूस हो गए। लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। घर वालों को काफी समझाने के बाद मेरे घर वाले मान गए, जिसके बाद मैं उस कागज के चिट्ठे को ढूंढने लगा जिसमें विकास ने अपना पता लिख कर दिया था, और उस पते के बिना तो मैं वहां जा भी नहीं सकता। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे वो कागज मिल ही गया जिसमें विकास ने अपना पता लिखा था। उस कागज के मिलने से मुझे इतनी खुशी हुई कि मानो मुझे पहले महीने की पगार मिली हो, जिसके बाद मैं अगले दिन निकलने की तैयारी में लग गया। सारी तैयारी करने के बाद ठीक अगले दिन सुबह 10 बजे वाली बस पकड़कर विकास के बताए गए जगह यानी बालीपुर गांव के लिए चलता बना। बस में चढ़ते वक्त मैंने कंडक्टर से पूछा था कि बालीपुर गांव यहां से कितनी दूर है। इस पर कंडक्टर ने बताया था कि हम शाम के 7 बजे तक बालीपुर पहुंच जाएंगे। बालीपुर गांव से विकास का घर 3 घंटे का रास्ता है, मगर मेरे पास पैसे ना होने के कारण मुझे बालीपुर बस स्टॉप से पैदल ही विकास के घर जाना होगा। इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, काफी लंबे सफर के बाद रात के 7:30 बजे मैं बालीपुर बस स्टॉप पर उतरा। ठंड का मौसम होने के कारण पूरे बस स्टॉप पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था, और न ही उस बस स्टॉप पर कोई बस खड़ी हुई दिख रही थी। मैंने जब एक बार अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो मुझे पूरे बस स्टॉप पर एक चाय की दुकान ही खुला हुआ दिखा। तो मैं चलकर उस चाय की दुकान पर गया और उस चाय के दुकान वाले को पते का कागज दिखाते हुए कहा, भाई साहब, मुझे इस जगह पर जाना है, तो मैं किधर से जाऊं? जिसके बाद उस चाय वाले ने कागज पर लिखे पते को देखा और अपने हाथ को एक रास्ते की तरफ दिखाता हुआ बोला, ये रास्ता पकड़कर सीधे चले जाइए। उस आदमी के दिखाए गए रास्ते की ओर जब मैंने अपनी निगाहें घुमाई तो वो एक कच्चा रास्ता था जिसके दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ थे। खैर, मैं डरता तो था नहीं, जिस वजह से मैं उस चाय वाले के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का एकमात्र जरिया जो चांद की रोशनी थी, वो भी रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ों के कारण रास्ते तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। कोहरा तो पूरे इलाके में इतना फैला हुआ था कि पूरा माहौल कोहरे के कारण धुंधला धुंधला सा पड़ गया था। बीच बीच में आ रही
रात कीड़ों की आवाजें उस रास्ते को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, रुको बेटा। उस आवाज को सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे पर अंधेरे में चादर ओढ़कर एक बूढ़ा आदमी दुबककर बैठा हुआ है। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मैं एकदम से रुक गया और मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या बात है बाबा? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा रात के वक्त इस रास्ते से मत जाओ, यह रास्ता ठीक नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर मैं अभी नहीं गया तो हो सकता है विकास कल सुबह काम पर चला जाए, फिर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। अपने मन में ये सोचते ही मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा मुझे जाना ही होगा, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। तो इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा मौत से भी बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर संभल कर जाना। जिसके बाद मैं वापस से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान होने के कारण जंगल से आ रही शियारों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जिस कारण मैं अपने कदमों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज से जंगली जानवर मुझ पर हमला ना कर दे। इसी तरह डेढ़ घंटे पैदल चलने के बाद मैंने लगभग आधा सफर पूरा कर लिया, मगर काफी समय से पैदल चलने की वजह से मैं अब काफी थक गया था, लेकिन फिर भी मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ता ही रहा कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच काफी सारे बच्चे दिखे जो आपस में खेल रहे थे। तो इतनी रात गए जंगली इलाके में इतने सारे बच्चों को देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला ये बच्चे यहाँ पर कर तो कर क्या रहे हैं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। खैर जो भी हो, उन बच्चों को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि इनसे पूछकर अब ये तो पता चल जाएगा कि मुझे और कितना चलना पड़ेगा। ये सोचकर मैं चलता हुआ उन बच्चों के करीब गया। तो उन बच्चों के करीब जाते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि इतने सारे बच्चों में से किसी ने भी कोई कपड़ा नहीं पहना है, तो क्या इन्हें ठंड नहीं लग रही। अभी मैं उन बच्चों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर उन बच्चों के बगल में बैठी एक औरत पर गई। तो उस औरत को देखकर मैंने सोचा कि आगे का पता उन बच्चों से ना पूछकर उस औरत से पूछ लेता हूँ। इतना सोचकर मैं उस औरत के करीब गया। तो उस औरत के करीब जाते ही मैंने जब उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस औरत की शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये औरत चुड़ैल है। अभी मैं डरकर कांप ही रहा था कि तभी वहां मौजूद सभी बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब उन सारे बच्चों का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये सभी भूत हैं और अब मैं नहीं बचूंगा कि तभी उस चुड़ैल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी पता नहीं कहां से वहां पर मेरा दोस्त विकास आ गया। तो विकास के आते ही वहां मौजूद सारे भूत एकदम से गायब हो गए, जिसके बाद विकास मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। घर पहुंचकर मैंने विकास से कहा, अरे विकास तुझे कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूं? इस पर विकास ने कहा, मुझे सब पता है, तू ये बता गांव में मेरे माँ और बाबा कैसे हैं? इस पर मैंने अपने और उसके दोनों के घरों का हाल समाचार बताया। अपने घर का हाल समाचार सुनकर विकास एकदम से रोने लगा, जिस पर मैंने विकास से कहा, क्या हुआ विकास, रो क्यों रहा है तू? कुछ दिनों के बाद चले जाना गांव माँ बाबा से मिलने।
इस पर विकास ने कहा, अब मैं कभी नहीं जा सकता यार। मेरे पूछने पर विकास ने बताना शुरू किया, आज से एक महीना पहले मैं काम से जब घर लौट रहा था तो रास्ते पर एक बड़ी सी गाड़ी के चपेट में आकर मेरी मौत हो गई। ये बोलकर विकास जोर जोर से रोने लगा। पहले पहले तो मुझे लगा कि विकास मजाक कर रहा है, फिर जब मेरी नजर उसके पैरों पर गई तो उसके पैर देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि सच में विकास के पैर उल्टे थे। आगे विकास ने कहा, कल सुबह गांव वापस लौट जाना और मेरे मरने की बात मेरे घर वालों को बता देना। इतना बोलकर विकास की आत्मा हवा में धुआं हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।